पब्लिक टीवी आपकी आवाज। और विशेष रूप से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज से करीब 5 माह पूर्व ये कहा था कि 1 साल में हम करीब 10 लाख नौकरियां देंगे। उसी हिसाब से हर महीने 70,000-71,000 हर महीने नौकरियां नियुक्ति पत्र बच्चों को दिए जा रहे हैं और भ्रष्टाचार मुक्त ये नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। क्योंकि जो वादा गवर्नमेंट ने कहा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ काम करेगी, उसी के हिसाब से सब धर्मों के बच्चे जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, अच्छी शिक्षा जिन्होंने प्राप्त की है, वो अपनी परीक्षा दे के पास हो रहे हैं और उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। और विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 में जिस समय आए थे उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो विश्व में थी वो 10वें पायदान पर थी। आज 2022 आते ये 5वें पायदान पर पहुंच गई है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने $5 ट्रिलियन की जो व्यवस्था का अर्थव्यवस्था का जो करने की कहा है और आने वाले समय में जिस समय ये पूरी हो जाएगी तो निश्चित हम लोग इतनी आगे छलांग लगाएंगे, निश्चित इसमें प्रगति होगी। और वो भी कुछ भर के चले जाते हैं आपसे, अरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये प्रक्रिया प्रारंभ की है, आज 5 महीने में करीब 3.5 लाख लोगों को नौकरी दे दी और भ्रष्टाचार मुक्त नौकरियां मिल रही हैं। पहले उनके ज़माने में तो लोग अपनी ज़मीनें जायदाद बेच के नौकरियां प्राप्त करते थे, किस तरीके से उन्हें नौकरियां मिलती थी ये किसी छिपा हुआ नहीं है, इसमें एक भी पैसा कोई कहीं ले सकता है। आज जो भी योजनाएं चल रही हैं पारदर्शी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे शौचालय योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन योजना हो और चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, आप देखते हैं जैसे आज उन्होंने 71,000 नौकरियाँ सिर्फ एक बटन दबा के लोगों को दे दी और उन्होंने आज नियुक्ति पत्र उन्हें दे दी है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है वो डेट फिक्स कर देते हैं, महीना फिक्स कर देते हैं, समय फिक्स कर देते हैं और प्रधानमंत्री जी किसी प्रदेश में जाके एक बटन दबाते हैं और देश भर के किसानों को उनकी किस्त का पैसा पहुंच जाता है। कोई ये भी नहीं कह सकता एक पैसा कोई बीच में किसी ने ले लिया हो। तो ये देखिए किस तरीके से पारदर्शी गवर्नमेंट ये चल रही है और काम कर रही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।